देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सुंदर सा डोरमेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिलाई में 32 फंदे डाल दिए हैं। आज मैं ये डोरमेट बड़े साइज का बनाने वाली हूँ। आप इससे बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं तो चार चार फंदे के हिसाब से फंदे बढ़ाकर डाल दीजिएगा। 32 फंदे मैंने सिलाई में डाला हुआ है और चार फंदे हम इस तरीके से सिलाई में डालेंगे। ये देखिए, पहले ही सिलाई में फ्रेंड्स हम चार फंदे इसमें बढ़ा देंगे। मैंने 1 इंच चौड़ाई काट लिया है और साड़ी की पूरी लंबाई ले लिया है मैंने, और 9 नंबर की मैंने सिलाई लिया हुआ है। और अब चलिए डोरमेट बनाना शुरू करते हैं। फंदे मैंने अलग से डाला हुआ है, इसलिए हम इसे बहुत आराम आराम से बुनेंगे। 3 और ये 4 फंदे हो गए जो मैंने अलग से डाले हुए हैं, और बाकी के भी फंदे हम इसी तरीके से उल्टी बुनाई कर लेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 ये 26 27 28 29 30 31 और ये 32 फंदे हो गए हैं, और 4 फंदे लास्ट का हम छोड़ देंगे। धागे को पीछे की साइड कर देंगे और सिलाई को घुमा देंगे, और उल्टे साइड फ्रेंड्स हमें कुछ भी नहीं करना है। उल्टे साइड हमें पूरी सिलाई उल्टी बुनाई करके कंप्लीट करना है। इसी तरीके से 32 फंदे उल्टी बुनाई करके तब मैं आपको सामने की साइड से दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उल्टे साइड से उल्टी बुनाई करने के बाद हम आ गए हैं सामने की साइड से। और सामने की साइड से हमें करना क्या है, देखिए इस तरीके से हमें फंदे बढ़ाने हैं। सिलाई के ऊपर से हम इस तरीके से फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा हमें बढ़ाना है और बाकी के फंदे उल्टी बुनाई करेंगे। 5 6 7 इसे इसी में लपेट देंगे। जो हमारा पहले का अलग से निकला हुआ कपड़ा है, देखिए इस तरीके से मैंने लपेट दिया है। चलिए तो फ्रेंड्स, मैं आपको 29 फंदे बुनकर तब दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने 29 फंदे बुन लिया है। एक फंदे मैंने बढ़ा दिया है और 4 की संख्या में 4 फंदे और हम फिर से छोड़ देंगे, और धागे को पीछे की साइड कर देंगे और सिलाई को पलट देंगे इसी तरीके से। और उल्टे साइड फ्रेंड्स हमें कुछ भी नहीं करना है, उसी तरीके से उल्टी बुनाई बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। पूरी सिलाई हमें उल्टी बुनाई करनी है। और यहाँ पर देखिए, उल्टे साइड से उल्टी बुनाई करने के बाद फिर से हम आ गए हैं सामने की साइड, और हम फिर से उसी तरीके से बुनाई करेंगे। पहला फंदा हम बढ़ाएंगे इस तरीके से, देखिए सिलाई के ऊपर से धागे को घुमाएंगे और एक फंदा हमारा बढ़ गया, ये देखिए, और बाकी के फंदे हम उल्टी बुनाई करेंगे। एक फंदा हम पहले बढ़ा लेंगे और फिर से हम लास्ट में 4-4 फंदे छोड़ते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शुरू में मैंने जो 4 फंदे बढ़ाया था और एक फंदे किनारे से बढ़ाया, 4 फंदे छोड़ा, और फिर से किनारे से एक फंदा बढ़ाया और 4 फंदे छोड़ दिया है मैंने। और सिलाई को इसी तरीके से पलट देंगे, उल्टे साइड पूरी उल्टी बुनाई बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, उल्टी बुनाई करके सामने की साइड से आपको फिर से हम दिखाते हैं। उल्टे साइड पूरी उल्टी बुनाई करने के बाद फिर से हम सामने की साइड आ गए हैं, और सामने की साइड से फिर से हम उसी तरीके से, ये देखिए, सिलाई के ऊपर से पट्टी को घुमाकर फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा हमारा बढ़ गया है और बाकी के फंदे हम उल्टी बुनाई करेंगे, और 4-4 की संख्या में लास्ट में हम 4-4 फंदे छोड़ते जाएंगे।
और ये देखिए फ्रेंड्स, पहले का हमारा चार फंदा बढ़ा हुआ है और तीन फंदे मैंने सामने की साइड से किनारे पर बढ़ाया हुआ है और चार के चार, चार दुनिया आठ, चार तियाई बारह, बारह फंदे मैंने छोड़ दिया है। और अब हम सिलाई को घुमा देंगे, पट्टी को घुमा देंगे उल्टे साइड से, पूरी उल्टी बुनाई कंप्लीट करके। चलिए हम फिर से आपको सामने की साइड से दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए हम फिर से सामने की साइड आ गए हैं और फिर से उसी तरीके से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। चार फंदा मैंने शुरू शुरू में पहली सिलाई में ही बढ़ा दिया था और एक फंदा किनारे से बढ़ा रहे हैं और लास्ट में चार फंदे हम छोड़ रहे हैं। और अब हम सामने की साइड से एक फंदा और बढ़ाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम फंदे को बढ़ा लेंगे, सिलाई के ऊपर से पट्टी घुमाकर एक फंदा हमारा बढ़ गया है और लास्ट में हम चार चार की संख्या में फंदे छोड़ते जाएंगे। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में चार के चार, चार दुनिया आठ, चार तीन बारह और चार चौक सोलह फंदे, चार फंदे और हम छोड़ेंगे। अट्ठारह, उन्नीस और ये बीस, बीस फंदे हो गए हैं। चार की संख्या में हम चार चार फंदे छोड़ते जाएंगे। ये देखिए, और धागे को पलट देंगे, सिलाई को घुमा देंगे, उल्टे साइड से पूरी उल्टी बुनाई करके कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार चार की संख्या में मैंने 20 फंदे छोड़ दिया है। चार के चार, चार दुनी आठ, चार तियाई बारह, चार चौक सोलह, चार पंचे 20। और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में चार फंदे बढ़ाया हुआ था पहले सिलाई में और चार फंदे मैंने एक एक सिलाई में बढ़ा दिया है। इधर भी हमारा 20 फंदे हो चुके हैं, पूरा मिला के 40 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए 20 फंदे इधर और 20 फंदे उधर। और एक एक फंदे बढ़ाने के बाद, 20 फंदे छोड़ने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें सामने की साइड से ना तो फंदे बढ़ाने हैं और ना ही फंदे हमें घटाने हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इसी तरीके से हम उल्टी बुनाई करेंगे। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह और ये सोलह। सोलह फंदे बुनाई करने के बाद चार की संख्या में हमें चार फंदे छोड़ने हैं और उसी तरीके से हम सिलाई को घुमा देंगे और उल्टे साइड पूरी उल्टी बुनाई करके कंप्लीट करेंगे। ये देखिए उसी तरीके से हम उल्टी बुनाई कर लेंगे। चलिए हम उल्टी बुनाई करके सामने की साइड से आपको दिखाते हैं। और ये देखिए उल्टे साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर से हम सामने की साइड आ गए हैं और उसी तरीके से हम फिर से बुनाई करेंगे। ना तो हमें फंदे बढ़ाने हैं और ना ही घटाने हैं, चार चार की संख्या में हम फिर से फंदे छोड़ेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। यहाँ पर अब देखिए धागा खत्म हो गया है, इसे हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, इसी में हम डालकर इसे लपेट देंगे। और ये बारह फंदे हो गया है, चार की संख्या में हम चार फंदे छोड़कर धागे को घुमा देंगे, सिलाई को पलट देंगे और उल्टे साइड से पूरी उल्टी बुनाई कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई में फंदे डालने के बाद मैंने चार फंदे बढ़ाया था और दूसरी सिलाई में सामने की साइड से किनारे से एक फंदे बढ़ाया था और लास्ट में चार चार के हिसाब से
चार चार फंदे मैंने छोड़ा था, 20 फंदे तक मैंने छोड़ा था। और 20 फंदे छोड़ने के बाद सामने की साइड से ना तो फंदे हमें घटाना है और ना ही बढ़ाना है, चार चार की संख्या में चार चार फंदे मैंने छोड़ा है, आप देख सकते हैं। और मैंने चार चार के हिसाब से 20 फंदे छोड़ दिया है। और अब हमें करना क्या है, ये वाला चार फंदा हम देखिए बुन कर धागे को घुमा देंगे, 3 और ये चार फंदा हो गया है। धागे को पीछे की साइड कर देंगे, सिलाई को घुमा देंगे और उल्टे साइड चार फंदे उल्टी बुनाई कर लेंगे, 1 2 3 और ये चार फंदे हो गए हैं। फिर से हम सामने की साइड आ जाते हैं। और अब फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, और अब हमें करना क्या है, इस तरीके से बुनाई करनी है। देखिए 1 2 3 और ये चार फंदे हो गए हैं, ना तो हमें फंदे बढ़ाने हैं और ना ही घटाने हैं, इसी तरीके से हम बुनाई करेंगे। और चार फंदे बुनने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में गैप हो गया है, ये देखिए, और हम एक फंदा बीच में उठा लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फंदा हमें उठाना कैसे है। ये देखिए बीच में से इस तरीके से एक फंदा हम उठा लेंगे, और उठाने के बाद दो फंदे का एक फंदा हम कर देंगे, ये देखिए दो फंदे का एक फंदा करना है, थोड़ा टाइट ही हमें बुनना है, बीच में गैप ना हो इसलिए। देखिए फ्रेंड्स एक फंदे उठाने के बाद मैंने दो का एक कर लिया है, 5 फंदे हो गए हैं, और ये 6 7 और ये 8। धागे को घुमा देते हैं और उल्टे साइड 8 फंदे उल्टी बुनाई कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर से हम आ गए हैं सामने की साइड, और उसी तरीके से हम बुनाई करेंगे, बीच बीच में हम गैप को भरते जाएंगे। चलिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गए। और ये देखिए फ्रेंड्स बीच में गैप है, एक फंदा हम उठा लेंगे और दो का एक कर देंगे, तेरह 14 15 16 16 फंदे हो गए हैं। धागे को पीछे की साइड कर देंगे, सिलाई को घुमा देंगे और उल्टे साइड पूरी उल्टी बुनाई कंप्लीट कर लेंगे। उल्टे साइड हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उल्टी बुनाई करके कंप्लीट कर लेना है हर सिलाई में। और यहाँ पर देखिए हम फिर से सामने की साइड आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 फंदे हो गए हैं। और फिर से हम गैप को भरेंगे, ये देखिए ये हमारा चौथा गैप है, बीच में से एक फंदा हम उठा लेंगे और दो का एक कर देंगे, 17 18 19 और ये 1 20 हो गया। पूरा मिला के हमारा 40 फंदे हो गए हैं। ये देखिए इस साइड 20 फंदे और उस साइड मैंने चार चार की संख्या में जो पहले छोड़ा हुआ था पूरा मिला के 40 फंदे हो चुके हैं।
और उल्टे साइड हम पूरी उल्टी बुनाई करके कंप्लीट कर लेंगे। धागे को पीछे की साइड करने के बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये एक बीस हो गया। बीस फंदे कंप्लीट हो गया। फिर से हम आ गए हैं सामने की साइड से और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चार गैप को भर दिया है और चार गैप हमें और भरना है। ये कुछ अलग तरीके से करना है, चलिए मैं दिखाती हूँ। इसमें हमें करना क्या है फ्रेंड्स, किनारे से एक फंदे घटाना है। देखिए दो का एक कर देंगे, इसी तरीके से हम फंदे घटाएंगे। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और ये उन्नीस फंदे हो गए हैं। एक फंदे मैंने किनारे से घटा दिया था, उन्नीस फंदे हो गए हैं हमारे। और अब हम बीच का गैप भरेंगे। ये देखिए बीच में गैप है, इसे हम भरेंगे। एक फंदा इसी तरीके से हम उठाएंगे और दो का एक कर देंगे। बीस और ये तीन फंदे और हम बुन लेंगे। इक्कीस बाईस और ये तेईस। धागे को पीछे की साइड कर लेंगे और उल्टे साइड पूरी सिलाई उल्टी बुनाई करके कंप्लीट करेंगे। पूरी सिलाई कंप्लीट करके तब मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से हम सामने की साइड आ गए हैं और हम उसी तरीके से दो का एक करेंगे। दो फंदे का एक करना है हमें। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और धागा हमारा ख़त्म हो गया है। इसे हम इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। आप चाहें तो फ्रेंड इसे सुई धागा से सिल भी सकते हैं। तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस। बाईस फंदे बुनने के बाद देखिए फ्रेंड्स फिर से हम उसी तरीके से गैप को भरेंगे। ये देखिए बीच में गैप है, एक फंदा उठा लेंगे और दो का एक कर देंगे। गैप को भरने के लिए तेईस फंदे हो गए हैं और ये चौबीस पच्चीस और ये छब्बीस। इसी तरीके से हम चारों गैप भरकर तब आपको दिखाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक साथ में चार फंदे बढ़ाया था और ये देखिए चार फंदे मैंने छोड़ा हुआ है और बाकी के गैप मैंने भर दिया है। और इधर से मैंने गैप को भर दिया है और किनारे से एक एक फंदे घटा दिया है। और अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको फिर से दिखाती हूँ अब हमें करना क्या है। यहाँ पर हमारा आखिरी सिलाई है, एक कली हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और अब हम इस तरीके से फंदे घटाएंगे। एक साथ मैंने फंदे बढ़ाए थे चार फंदे शुरू शुरू में और एक साथ हम फंदे घटाएंगे। चार फंदे हमें घटाना है, दो का एक कर लेना है। और ये देखिए दो फंदे मैंने घटा दिया है और इसी तरीके से दो का एक करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं
3 और एक फंदा और हम घटाएंगे। 4 फंदे मैंने एक साथ घटा दिया है और इस तरीके से देखिए किनारे पर चेन बन जाता है। और बाकी के फंदे हम उल्टी बुनाई करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28। फंदे बुनने के बाद ये जो बीच में गैप है इसे हम भर देंगे। एक फंदा इस तरीके से उठा देंगे और दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। 29, 30, 31 और ये 32 फंदे हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक कली बनकर तैयार हो चुका है। 32 फंदे हमने डाला था और 32 फंदे हमारे हो चुके हैं। ये देखिए, आप चाहें तो इसकी हर कली अलग अलग कलर में बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दो कलर में भी बना सकते हैं, या फिर इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। और एक कली कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स देखिए, हम कलर को चेंज कर देंगे इस तरीके से। देखिए और बाकी के फंदे उल्टी बुनाई कर लेंगे। 2, 3, 32 फंदे हमारे पूरे हैं। चलिए इसे हम बुनकर कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने उल्टे साइड से धागे को चेंज कर दिया है और पूरी उल्टी बुनाई कर दिया है। 32 फंदे हमारे पूरे हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, देखिए 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32 फंदे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे और एक कली बनकर कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अब हम उसी तरीके से 4 फंदे बढ़ाएंगे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में पहले सिलाई में 4 फंदे बढ़ाया हुआ था। आप देख सकते हैं 4 फंदे मैंने बढ़ा दिया है। और अब हम इसे बुनाई करेंगे, पूरी उल्टी बुनाई करेंगे और लास्ट में हम 4 फंदे छोड़ देंगे। और धागे को पलटने के बाद उल्टे साइड से पूरी उल्टी बुनाई करेंगे और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सारी कलियों को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। और यहाँ पर हमारा 2 कली बनकर कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हमारा आधा डोरमेट बनकर तैयार हो चुका है। 3 कली मैंने हरे वाले से बनाया है और 3 कली मैंने लाल वाले से बना लिया है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर मैं हम 2 कलर में ये डोरमेट बनाते हैं तो हम 5-5 कलियाँ 2 कलर में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। पूरा मिला के हमारा 10 कली बनकर कंप्लीट होगा पूरा डोरमेट बनाने के लिए। और जब हमारा 10 कली बनकर कंप्लीट हो जाएगा तब हम उल्टे साइड से दोनों साइड पकड़कर सिलाई लगा देंगे और हमारा सुंदर सा डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने पूरा डोरमेट का वीडियो नहीं बनाया है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आपको कहीं से भी कुछ पूछना हो फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मैं हमसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें क्षमा करिएगा। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको हमारा वीडियो समझ में आए। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अपने ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।